तो आज की पैथन क्लासेस में हम बात करेंगे ओओपीएस, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बेसिकली इसमें क्लास और मॉड्यूल का चक्कर होता है कि आपने क्लास डिफाइन कर लिया, उसके अंदर मॉड्यूल लगा दिया, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर इसके कई सारे टाइप है, सारे टाइप और सारे एग्जाम्पल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा ओओपीएस होता क्या है, ठीक है? पहले इस चीज के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि ओपीएस प्रोग्राम जो है वो इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टू मेक द प्रोग्राम लेंथी। फॉर एग्जांपल, वी हैव राइट द ऑल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इनसाइड द क्लासेस एंड देन क्रिएट द ऑब्जेक्ट द क्लास, देन यूज द फीचर ऑफ क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायर द मच कोड। सिंपल सी बात समझिए ना, आप लोग करते हैं ना यहाँ पे, जैसे आपने कर दिया इम्पोर्ट पांडाज एज ए पीडीएफ। तो पांडाज क्या है? तो पांडाज एक मॉड्यूल है, एक क्लास है जिसको आपने यहाँ पे होल्ड किया। अब इसके अंदर जितने भी फीचर्स है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि हर बार मुझे उसकी कोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दिया पांडास के अंदर, और इसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करके हम इजिली इसको यूज कर रहे। तो ऐसे हम यहाँ पे इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते। तो इसके कई सारे ये होते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है उसके कई सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इन पाइथन एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट। यू कैन क्रिएट द योर ऑन ऑब्जेक्ट बाय डिफाइनिंग द क्लास। ए क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट टू क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इनहेंस ऑफ द क्लास। अब क्या है चीज, समझिए इसको। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा है कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन डिफाइन के लिए आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्लास, और क्लास में मैंने मान लीजिए डॉग का क्लास बना दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि डिफ, और यहाँ पे ब्रैकेट इनिट कर रहे हैं, इनिट सेल्फ, और सेल्फ में मैंने बोल दिया इसमें यहाँ पे नेम, क्या बोल दिया नेम, ठीक है? ये देने की जरूरत नहीं, और ये पास नहीं चाहिए क्योंकि पास नहीं कर रहा ना मैं, जो यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। एक क्लास डिफाइन कर, एक क्लास डिफाइन किया, इसके अंदर हमने एक डिफाइन किया सेल्फ को। अब यहाँ पे हम करते हैं कि डिफाइन डिफाइन यहां पे दूर था बाप या कुछ भी नाम दे दीजिए, यहां पे हम देते हैं सेल, और इसके अंदर हमने ले दिया रिटर्न। क्या रिटर्न हो? तो रिटर्न में हमने बोल दिया एफ और कर्ली ब्रैकेट में सेल्फ डॉट नेम और यहां पे सेज, कुछ ऐसे भी मैं लिख सकते हैं। अब ये हो गई क्लास। अब यहाँ पे सीधे हम कर रहे हैं कि यहाँ पे वी वन इक्वल टू हम डॉग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं डॉग, और डॉग में हम यहाँ पे टाइगर का नाम दे रहे हैं, फिर डी टू इक्वल टू अगेन डॉग, और यहाँ पे हम दे रहे हैं मैक्स।
या कुछ ऐसे ही नाम दे दीजिए, ऐसे कई सारे दे सकते हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट में हम सीधे करेंगे d1.bar, हमें बार को प्रिंट करना है सिंपल से, और प्रिंट d2.again bar, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए इसको रन करता हूं, यहाँ पे सेमी कॉलम देना था, छूट गया था। यहाँ देखा मैक्स सेज उफ, टाइगर सेज उफ। तो सेज उफ जो है ये तो है हमारा फिक्स है, ठीक है, लेकिन ये जो बार बार नाम है हर बार चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक ही क्लास में हम कई सारे डेटा को इनपुट करवा रहे हैं और उसके अलग अलग में हम आउटपुट ले रहे हैं। तो क्लास यही कहलाता है कि आपने क्लास डिफाइन किया, अपनी कैलकुलेशन कर दी, और फिर यहाँ आपको जो भी चाहिए यहाँ पे डालिए और उसकी जो भी आउटपुट है वो आउटपुट लीजिए। हालांकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हम आपको डिटेल में समझाएंगे, फिलहाल जस्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ओके तो क्लास समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ अब क्लास के बाद अगला जो आता है वो आता है एनकैप्सुलेशन। कई सारे फीचर्स है, वन बाय वन सारे फीचर को समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर डिटेल। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर डिटेल में पढ़ाओ। अब बात करते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में। अब एनकैप्सुलेशन क्या करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पाइथन सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, विच मीन्स दैट यू कैन एनकैप्सुलेशन, मतलब हाइड द इंपोर्टेंस डिटेल्स ऑफ द क्लास विद इन द क्लास इटसेल्फ। दिस अचीव यूजिंग द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट एंड मेथड इन पाइथन यूजेज नेम मीनिंग इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ कंट्रोल। अब इससे एक एग्जाम्पल हम आपको बता, तो यहां पे हम देते हैं अपना क्लास, क्लास और इस बार क्लास में लगाते हैं एनिमल, एनिमल, और यहां डिफाइन करते हैं डिफाइन और इनिट सेल्फ के साथ यहां पे हम देते हैं काइंड, काइंड पीसी जो भी करना चाहे कर सकते हैं, और यहां पे हम देते हैं और पास की जगह पे हम लिखते हैं सेल्फ डॉट टाइम इक्वल टू ठीक है। अब यहां पे आते हैं, अगेन डिफाइन करते हैं फंक्शंस और यहां पे लिखते हैं स्पीक स्पीक, और यहां पे हम सेल्फ लिखते हैं। और उसके बाद हम यहां पे इसको पास कर देते, इसे कुछ नहीं कर। तो एक यहां पे एक हमने क्लास बना लिया, अब अगेन एक और क्लास हम यहां पे बना रहे हैं, क्लास जिसमें हम डॉग लिखते हैं, डॉग इसके अंदर एनिमल डालते हैं, एनिमल क्लास। तो क्लास के अंदर हम क्लास को कॉल कर, फिर
यहाँ पे डिफाइन, डिफाइन हम यहाँ पे देते हैं स्पीक, और स्पीक में स्पीक में रिटर्न करते हैं अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और क्लास लेते हैं, क्लास यहां पे लिखते हैं कैट, और कैट के अंदर एनिमल को सिलेक्ट करते हैं एनिमल, और यहां पे डिफाइन करते हैं, डिफाइन में हम यहां पे करते हैं स्पीक, और रिटर्न करते हैं म्याओ। अब दो तीन क्लास हमने कर लिया, अब देखिए यहां पे लिखते हैं डॉग, डॉग या डी इक्वल टू हमने लिखा डॉग, तो हमने किसको कॉल किए, ये जो डॉग है इसको कॉल किए। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, एनिमल डालना है, एज डालेंगे सीधे एनिमल पे चला जाए, और एनिमल पे जाएगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम डालते हैं मान लीजिए कैनाइन नाम का एक प्रजाति होता है उसी उदाहरण, फिर सी इक्वल टू यहां पे हम कैट को कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर हम डालते हैं एक सेनाइल नाम के भी होता है कैट का प्रजाति। अब यहां पे हम सिंपल से लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम करते हैं डी डॉट स्पीक, और फिर यहां प्रिंट सी डॉट स्पीक। तो यहां पे हमने एक जो है अपना क्लास बनाया, उसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है जैसे एनिमल के अंदर जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है वो ये एनिमल क्लासेस के, तो हम एक क्लास को दूसरे क्लास में हम यहाँ पे कॉल करें ताकि जो हमारा ये है हमारा जो डिटेल्स है वो जो है हाइड रहे। तो ये क्लास सेम प्रोग्राम में हो सकता है या किसी और प्रोग्राम में भी हो सकता है सिंपली। अब इसको रन कीजिए, रन करने पे आ रहा है उस अन्याओ, ठीक है। ये थी हमारी कौन सा एग्जाम्पल, वो थी इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के बाद अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, पर अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सुन। ये एनकैप्सुलेशन के बाद हम बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलाउ द क्लास सब क्लास एंड चाइल्ड, नहीं एक एग्जाम्पल दिया था वो इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था, माफी चाहूं भूल गया। एनकैप्सुलेशन का तो एग्जाम्पल यहां आएगा, अभी दे रहा हूं, तो यहां लिखते हैं क्लास, एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल लिखिए। क्लास मैंने यहां पे लिखा बैंक अकाउंट, यहां पे हम एसी नाम का एक बनाते बैंक अकाउंट, मतलब कि एसी नाम ऊपर वाला कौन सा था एग्जांपल, वो इनहेरिटेंस का था, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। हाँ, ओके ये जो बता रहा है, ये बता रहा है आपको एनकैप्सुलेशन, ठीक है एनकैप्सुलेशन। अब यहां पे हम डिफाइन किए और इनिट पास के जगह पे हम लिखते हैं सेल्फ, सेल्फ डॉट, अच्छा इस सेल्स के साथ हम यहाँ पे एक काम करते हैं बीसी कर देते हैं बैलेंस, बीएल कर देते हैं बैलेंस, तो बीएल इक्वल टू बीएल, या फिर यहाँ पर अंडरस्कोर भी दो बार लगाएंगे तो ये ले लेगा बीएल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने दो बार जो लगाया वो क्या क्यों लगाया, इसको बोला जाता है प्राइवेट एट्रीब्यूट, क्या बोला जाता है प्राइवेट एट्रीब्यूट,
तो ये क्या हो गया, प्राइवेट एट्रीब्यूट हो। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन डिफाइन में लिखते हैं गेट बियर ब्रैकेट, इसके अंदर देते हैं सेल्फ सेल्फ, फिर नीचे आते हैं रिटर्न करते हैं रिटर्न सेल्फ अंडरस्कोर बियर, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बियर। फिर यहां पे डिफाइन करते हैं एक और जो कि डिपॉजिट है, यहां पे सेलेक्ट क्रेडिट जो होगा क्रेडिट, और यहां पे हम लिखते हैं सेल्फ एंड कॉमा अमाउंट। तो यहां पे लिखते हैं सेल्फ डॉट बीएल प्लस इक्वल हमने अमाउंट दे, ठीक है, प्लस इक्वल क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया। अब चलिए यहां, अब यहां पे लिखते हैं ए इक्वल टू ए सी, और ए सी के अंदर में अपना यहां पे 1000 करते हैं, ठीक है। अब यहां पे करते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम यहां लिखते हैं एसी डॉट रियल, एक बार रन करके देखिए इसको कि क्या बैलेंस आ रहा है। नहीं, प्रिंट एसी डॉट रियल गेट बीएल है ना, इसे आ रहा है गेट बीएल। ए डॉट, क्योंकि एसी थोड़ी होगा, ए तो ऑलरेडी हो चुका है ना पे। ये आ गया 1000, तो जो एसी के ऊपर जो 1000 डाला, जो 1000 डाला वो कहाँ चला गया, यहाँ, क्योंकि यहाँ बैलेंस है ना, जो भी हम अमाउंट डालेंगे वो इसके बैलेंस पे चला गया, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज और कर सकते हैं, यहां पे ए डॉट डीएल इक्वल टू हमने 2000 किया, फिर यहां पे करता हूं प्रिंट ए डॉट गेट बैलेंस, देखिए अब क्या आएगा। अभी भी ये 1000 ही दिखा रहा है, राइट। एक काम करता हूं मैं, ए डॉट यहां पे हम देते हैं सी आर, फिर 1000 आ रहा है। ए डॉट एसी 1000 डाल दिया, इसके अंदर 1000 बैलेंस चला गया। अब इसने सी आर चलाया तो अमाउंट इसके अंदर आना चाहिए ना। हाँ,
अच्छा हाँ, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज इसमें वो डालेंगे तो चेंज नहीं होगा, जो पहला वही चलेगा। वो जो इसमें जो है वो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा ताकि वो ऐड होता चला जाए, वो आगे बताऊंगा। तो इसको आप यहीं तक रखिए, ठीक है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का बात हुआ, जिसमें कुछ चीजें हिडन कर सकते हैं, जो चीज चाहिए वही चीज दिखेगा, अदरवाइज कोई और नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन के बाद अगला जो है इनहेरिटेंस, जो कि बताया इनहेरिटेंस क्या होता है, कि इसमें जो होता है आपका चाइल्ड और पेरेंट का होता है, पेरेंट और चाइल्ड का होता है। जैसे कि यहां पे देखे, ये जो हमारा, ये हमारा क्लास एनिमल जो था, ये पेरेंट और चाइल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एनिमल हो गया, अब एनिमल हमारा पेरेंट हो गया, डॉग एंड कैट हमारा क्या हो गया, इसके चाइल्ड, ये हमारा इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस के बाद अगला जो आता है वो आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसे क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म होता है अलाउ द ऑब्जेक्ट और डिफरेंस क्लासेस टू बी ट्रीट एज ऑब्जेक्ट कॉमन सुपर क्लास। पैटर्न सपोर्ट द पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू द मेथड ओवरराइडिंग एंड द टाइपिंग, वेयर यू टाइप द ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय बिहेवियर एंड नॉट इट क्लास। मतलब कि इसको क्लास की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर हम जो है बहुत सारी चीजें इसमें हम ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है। तो यहां पे मैंने क्लास दिया, क्लास क्लास में दिया सैप्स, सैप, और यहां पे किया डिफ एरिया, और एरिया के अंदर हमने दिया सेल्फ। उसके अंदर नहीं, गलत हो गया, सैप्स हो गया, और हाँ सही है, स्पेसिफिक कर देंगे पास। फिर एक और क्लास यहां बनाऊंगा मैं, क्लास, क्लास में हम यहां देंगे सर्कल, सीआर देते हैं सर्कल के लिए, और इसके अंदर जो सैप्स हमने बनाया है ना उसको कॉल करो। ठीक है, यहां लिखते हैं डिफ इनिट, इनिट सेल्फ कॉमा आर डी रेडियस, और यहां हम देते हैं कि सेल्फ डॉट आर डी इक्वल टू आर डी।
इसी के अंदर एक और हम फंक्शन डिफाइन करते हैं यहां पे, डिफ एरिया, और इसके अंदर हम जाते हैं सेल। और यहां पे रिटर्न करते हैं रिटर्न थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट आरटी। तो दो बार रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल मल्टीप्लाई बाय एक हो गया डिफाइन। अब यहां पे एक और क्लास बना दें, क्लास रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगल, और इसके अंदर भी हम सेप्स देते हैं। ये होमोमोर्फिज्म का एग्जांपल बता रहा हूं सर। देन डेफ अंडरस्कोर इनिट, और यहां सेल्फ के जगह पे सेल्फ होगा, इसके बाद लेंथ होगा एल कॉमा डब्ल्यू, लेंथ एंड विड्थ। और यहां जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, यहां पे सेल्फ डॉट एल इक्वल टू एल, और अगेन सेल्फ डॉट डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू, ये असाइन करना हो। और इसके अंदर हम एक और डिफाइन लेते हैं डेफ, डेफ में हम लिखते हैं एरिया, एरिया में सेल्फ और सेल्फ के अंदर क्या रिटर्न क्या होगा, सुपर एरिया नहीं होगा, रिटर्न यहां पे होगा सेल्फ डॉट एल मल्टीप्लाई बाय सेल्फ मल्टीप्लाई बाय वेल्थ। से यहां पे की लग गया ना, ठीक है। अब ये हमारा खत्म हो गया सर, यहां पे हम लिखते हैं सैप्स इक्वल टू ब्रैकेट में सी आर इन द ब्रैकेट फाइव कॉमा आर के सी टी रैक्ट, हम इसके अंदर फोर कॉमा सिक्स, हमने दोनों को रिटर्न कर। अब यहां पे लूप लगाते हैं फोर सैप इन सैप्स, यहां पे सैप्स होना चाहिए, और प्रिंट प्रिंट में एफ एरिया, और यहाँ पे सेप डॉट वी राइट। तो यहां पे देखिए क्या हो, हमने ये फंक्शन एक पहला फंक्शन सेप का नाम से बनाया जो कि हम पास कर रहे हैं, फिर इसके अंदर हम सीआर दिए जो कि सेप को कॉल कर दिए, और यहां पे हमने बोला कि इसके अंदर जो सर्कल होगा उसमें जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा, फिर हमने इस रेडियस को एरिया के अंदर क्या किया मल्टीप्लाई किया, सेम रेक्टेंगल लिया इसके अंदर भी हमने विड्थ और हाइट
लेंथ और ब्रेथ को डिफाइन किया और फिर एरिया के अंदर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे जितने भी सेप्स के अंदर, सेप के अंदर जितने भी सेप्स हैं उस सारे को एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करेगा और ये आपको रिजल्ट देगा। देखिए एरिया 70.8 एंड 2 बाय 4, तो ये आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, अलाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू द ट्रीट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास। पैटर्न सपोर्ट द पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू द मेथड ओवरराइडिंग एंड डक टाइपिंग। इसको ओवरराइडिंग एंड डक टाइपिंग का, ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है मेरा ऑब्स्ट्रेक्शन। ऑब्स्ट्रेक्शन, ऑब्स्ट्रेक्शन क्या करता है, ऑब्स्ट्रेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स रिलेटिव ऑफ मॉडलिंग क्लासेस बेस्ड ऑन द एसेंशियल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। इन द पाइथन वी कैन यूज द अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड यूजिंग द एबीसी मेनू, जिसको हम लोग बोलते हैं एबीसी मेनू। अब ए अब्स्ट्रैक्ट का इसका जो एग्जाम्पल है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी करते हैं। अब यहां पे लिखते हैं फ्रॉम, यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कि फ्रॉम एबीसी मेनू बोलते हैं इसको, एबीसी इंपोर्ट ए बी सी कॉमा अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहा होगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड है लेकिन आपको यहां पर अब्स्ट्रैक्ट मेथड में। अब यहां पर लिखते हैं क्लासेस क्लास और यहां पे देते हैं सैप और इसके अंदर हम ए बी सी कैपिटल में लेते हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल में। और यहां पे हम लिखते हैं एट द रेट अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने कॉल किया अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, और फिर यहां देते हैं डिफ एरिया और इसके अंदर हम सेल्फ देते हैं और यहां पे इसको हम पास कर देते। फिर यहां पे देते हैं क्लास, क्लास में हम सर्कल देते हैं, सर्कल के अंदर हम अगेन सैप लेते हैं और यहां हम डिफ, डिफ में इनिट लेते हैं क्योंकि तो मुझे पास करना है सेल्फ कॉमा, यहाँ पे हम आरडी कर दिए और यहाँ सुपर सुपर क्लास नहीं चाहिए मुझे, चाहिए यहाँ पे सेल्फ डॉट आर डी इक्वल टू आर डी, ताकि नीचे हम कॉल आसानी से कर सकें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डिफ, इसी के अंदर होगा, इसी क्लास के अंदर होगा डिफ एरिया, एरिया में हमारा सेल्फ कॉमा, ये सेल्फ ही होगा कॉमा तो ले चुके होगा ना हम, और इसमें रिटर्न जो होगा होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट आर डी मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट आर डी। एस बड़ा होगा उसका, ठीक है। ये आपको अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा, ठीक है।
तो अब ये सारे मैंने आपको ये बताया, अब जो है कल की क्लास से इन सारों को हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे।